भाई साहब, 10 अप्रैल को घमासान युद्ध होने वाला है। युद्ध नहीं, महासंग्राम होने वाला है, क्योंकि दो ऐसी बड़ी मूवी पर्दे पर उतर रही हैं जो बिल्कुल भी कम आग नहीं मूत रही हैं। यानी एक मूवी भी दूसरी मूवी से बिल्कुल कम हाइप नहीं लेके चल रही है। दोनों की सॉलिड हाइप चल रही है, दोनों बराबर के टक्कर दे रहे हैं। अगर मैं फर्स्ट रिव्यू की बात करूं तो अभी दमदार रिव्यू जा रहे हैं। क्रिटिक्स, जो बड़े बड़े क्रिटिक्स हैं ट्विटर्स पर, वो मूवी को अच्छा खासा सपोर्ट भी कर रहे हैं। उनके फर्स्ट रिव्यू आउट कर रहे हैं लोगों का ध्यान और ज़्यादा खींचने के लिए, उनको एक जेन्युइन कॉन्टेंट देने के लिए, जेन्युइन एंटरटेनमेंट का तड़का देने के लिए। भाई अभी सारी चीज़ पर बात करेंगे। और यहाँ पर सर्टिफिकेशन से, मतलब सेंसर बोर्ड ने भी पास कर दिया है, कौन से सर्टिफिकेशन से किया है कौन सी नहीं वो भी देखेंगे। मूवी की रन टाइम आ चुकी है, कौन सी मूवी कितना ज़्यादा बिजनेस करने वाली है। फिलहाल मूवी के नाम तो मैंने बताया ही नहीं, कौन सी, बड़े मियाँ छोटी मियाँ एंड मैदान मूवी 10th of April को। भाई दोनों ये आने वाली हैं, फटने वाली हैं बुरी तरीके से। आप कितना वेट कर रहे हैं, बस 2 मिनट और रुक जाओ, पता लग जाएगा कि कौन सी मूवी की हाइप कितनी ज्यादा चल रही है और कौन सी मूवी के लिए आप कितना ज्यादा वेट कर रहे हैं। फर्स्ट डे फर्स्ट शो कौन सा देखेंगे। वीडियो को एक लाइक, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो शुरुआत करते हैं भाई साहब। बड़े मियां छोटे मियां का रिव्यू आ चुका है, ऑलवेज बॉलीवुड की जो एक ट्विटर हैंडल है मैं उसको अधिकतर फॉलो करता हूं, और उनकी तरफ से जो भी रिव्यू आते हैं, चाहे आप जवान, चाहे आप सलार के लिए रिव्यू के लिए ले लो, तो जब मैंने वो देखे थे तो भाई साहब एज इट इज देखने को मिला था, और यहाँ से भी वही देखने को मिल रहा है। मतलब उसमें बड़ी मियाँ छोटी मियाँ के रिव्यू बहुत प्रॉमिसिंग एंड बहुत पॉजिटिव आया है। यानी एक्शन की तो कोई कमी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन एंटरटेनमेंट तड़के के साथ साथ हमें भाई हंसी के फव्वारे भी खूब छूटने को मिलेंगे। यानी भाई एक्शन कॉमेडी एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी ये होने वाली है बड़े मियाँ छोटे मियाँ। कितनी होगी कितनी नहीं भाई साहब, वो तो 10th अप्रैल को पता चलेगी, लेकिन यहाँ से भाई एक्साइटमेंट तो जनरेट होता है कि जाओ और देखो। नहीं, उसके बाद ऑलवेज बॉलीवुड वाले ने ही मैदान मूवी के रिव्यू भी आउट किया है, एंड बहुत सी जगह ये बताया है कि बहुत सी जगह सिगरेट्स के, मतलब सिगरेट पीते हुए अजय देवगन देखने को मिलेंगे, लेकिन इसको एक किनारे रखते हैं। लेकिन मूवी में जो मैसेज देने की कोशिश करी, मूवी में जो एफर्ट मारने की कोशिश करी है, वो आपका दिल लूट कर लेके जाएगी। और बाय गॉड लिटरली भाई साहब, मैदान मूवी के लिए मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ। एक बार के लिए एक्शन मूवी यानी बड़ी मियाँ छोटी मियाँ को बाद में देख लेंगे, क्योंकि बहुत एक्शन देखते आ चुके हैं। पिछले साल से एक्शन ही एक्शन चल रहा है भाई, अभी भी एक्शन चल रहा है, बहुत सी एक्शन मूवी है, अभी फुल ईयर एक्शन ही आने वाला है। तो थोड़ा सा ऐसी चीज़ को भी देखते हैं भाई, जो थोड़ा हटके लेके जाए। बाकी सेंसर बोर्ड ने भाई साहब मैदान मूवी को पास कर दिया है यूए सर्टिफिकेशन के साथ, जिसमें आपको भाई साहब इसकी रन टाइम कितनी मिलेगी, 181 मिनट 30 सेकंड के आसपास, यानी 3 घंटा 1 मिनट 30 सेकंड के आसपास इसकी लेंथ होने वाली है, किसकी, मैदान मूवी की। देन उसके बाद अगर हम बड़े मियाँ छोटे मियाँ की बात करें, तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ को भी सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेशन से नवाज दिया है, एंड इसकी ड्यूरेशन कितनी होने वाली है, 164 मिनट, यानी 2 घंटा 44 मिनट इसकी लेंथ होने वाली है। तो मैदान मूवी की लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबी है। खैर अक्सर होता यह है कि जिस मूवी की लेंथ थोड़ी लंबी होती है भाई साहब, वो थोड़ा कहीं ना कहीं बोर कर जाती है। मूवी जो कनेक्ट करके रखती है वो कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो अगर मूवी में राइटिंग दमदार होगी एंड जो स्क्रीन टाइमिंग होगी, सिनेमेटोग्राफी अगर वो कनेक्शन सेट कर गई ऑडियंस के साथ दमदार वाला, तो बोरियत कहीं भी फील नहीं होगी। लेकिन अगर कहीं पर भी छोटा सा गैप अगर मिल गया तो ऑडियंस डिस्कनेक्ट हो जाएगी और फिर वहां से मामला खराब होते नजर आएगा, क्योंकि लेंथी मूवी के लिए यही खतरा होता है। फिलहाल मैदान के पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है, हिस्ट्री में बहुत कुछ है, देन उसके बाद स्ट्रगल लाइफ में दिखाने के लिए जो नई टीम असेंबल कर, भाई बहुत कुछ है। तो लग रहा है कि 3 घंटे में बहुत कुछ हमें देखने को मिलेगा, बस कहानी जो चले बढ़िया तरीके से चले, बोर ना करे। बाकी भाई बड़े मियाँ छोटे मियाँ के लिए भी वेट है, क्योंकि बड़े मियाँ छोटे मियाँ का लेंथ बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर इसमें कॉमेडी मिलेगी देन उसके बाद हमें एक्शन भी मिलेगा, तो कुछ नया देखने को मिलेगा। फिलहाल एक्शन एक्शन सीरियस एक्शन तो देखते आ ही रहे थे, लेकिन एक्शन के साथ वो कॉमेडी पंच का तड़का, वो जो बॉलीवुड का ह्यूमर है, वो जरूर घुसाने की कोशिश करेंगे, जो मैं चाहता हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बढ़िया हिट क्लिक करके जाए। ऐसा नहीं कि कुछ भी थोड़ा सा ओवर देखने को मिले। फिलहाल वेट करते हैं, 10th अप्रैल को दोनों मूवी रिलीज हो जाएंगी। और अगर मैं आप बताऊं तो भाई साहब फर्स्ट डे कौन सी मूवी कितनी बड़ी ओपनिंग ले सकती है, 19-20 का फर्क देखने को मिलेगा, ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों ही मूवी के लिए जनता वेट कर रही है, न्यूट्रल ऑडियंस वेट करने लगी है। खैर न्यूट्रल ऑडियंस अभी भी उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हुई है, उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हुई है इन दोनों मूवी के लिए, बल्कि डाई हार्ट फैन पगलाए पड़े हैं कि भाई हम इसे सपोर्ट करेंगे, हम उसे सपोर्ट करेंगे।
वो खैर चलता रहता है, ये अभी की बात नहीं है, बहुत पहले की बात है। तो और ये जो क्लैश हो रहा है, क्या क्लैश में भाई नुकसान होने वाला है? खैर नुकसान उतना नहीं होगा, देखो जिसके हक का जितना है, जिसमें जितना पोटेंशियल है, वो तो उतना अपना हासिल करके जाएगा ही जाएगा। और दोनों मूवी में दम देखने को मिल रहा है, तो दोनों मूवी अच्छा खासा बिजनेस करके चले जाएंगे। फिलहाल एक्सपेक्ट करते हैं कि मैदान लगभग में लगभग 200 से 250 करोड़ के आसपास बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके जाए। एंड बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जिसका बजट बहुत भारी भरकम है भाई साहब 300 करोड़ के आसपास, तो यह मूवी कितना जाएगी? लगभग 400 से 500 करोड़ अगर ये ठोक जाती है तो ब्लॉकबस्टर तो नहीं सुपर डुपर हिट की लिस्ट में इसे शामिल कर देंगे। तो आप लोग कौन सी मूवी के लिए कितना वेट कर रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया गया ना। बाकी यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, एंड चैनल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बाकी शेयर भी करना, और मिलते रहेंगे ऐसे ही। जय हिंद।